कक्षा के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम पे। मैं निकिता आज आपके लिए लेकर आई हूँ वाच्य, जो कि आपके व्याकरण का विषय है कक्षा दसवीं में। तो चलिए आरंभ कर लेते हैं वाच्य। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको खुद ही मिल जाए। सबसे पहले हम करेंगे परिभाषा। वाच्य की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के होने का मुख्य कारण क्या है। क्रिया के जिस रूप से ये हमें पता चल जाए कि वाक्य में जो क्रिया हुई है उसका रीज़न क्या है, किस कारण से जो है क्रिया हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए, लड़का फुटबॉल खेल रहा है, ये कर्तृवाच्य हो गया। और उसके द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है लड़के के, ये कर्मवाच्य है, क्योंकि इसमें कर्म प्रधान है। और खेला जा रहा है, ये देखो खेला जा रहा है, ये दोनों में सेम है, कर्मवाच्य में और नीचे क्या है भाववाच्य में। तो खेला जा रहा है और ऊपर भी है खेला जा रहा है, तो ये सेम हो गया, इसमें नो चेंज, तो ये भाववाच्य आ जाएगा। वाच्य के तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले हम करेंगे कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य की आपको परिभाषा आनी चाहिए, साथ ही उदाहरण, क्योंकि ये जो है अलग से आपके पास प्रश्न आ सकता है कि कर्तृवाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, ठीक है, इस तरह से आपके पास आ सकता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है विषय आपका वाच्य। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तृवाच्य होती हैं, ठीक है। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होगी, जैसे कविता सोती है, तो कर्ता इसमें प्रधान है, नीलम पढ़ती है, नीलम इसमें प्रधान है, मुकेश भागता है, तो कर्ता जो है पहले आ रहा है, यानी कि वो प्रधान है, यानी कि वो पूर्व है, पहले है। तो जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होगी वो क्या कहलाएंगे, कर्तृवाच्य, ठीक है। कर्मवाच्य ऐसे ही, अब आप देखो कर्मवाच्य क्या है, जिन वाक्य रचना में कर्म की प्रधानता हो उनकी क्रिया का वाच्य कर्मवाच्य कहलाएगा। उदाहरण देखते हैं इसके। अब ये कर्मवाच्य के उदाहरण देखिए आप, रोहन ने मिठाई खाई, खाई तो है मिठाई, रोहन ने खाया तो है, लेकिन क्या खाया है मिठाई खाई है, तो ये उसका कर्म हो गया। ममता ने अमरूद खाए, तो ये क्या है, ये उसने कर्म किया है, खाया तो है लेकिन कैसे, खुद से ही तो खाया ना, अपने हाथों से, तो ये कर्म हो गया, उसके द्वारा किया गया काम। अब भाववाच्य कौन सा होता है, जिन वाक्यों में कर्ता व कर्म दोनों प्रधान न हो, बल्कि कोई क्रिया का भाव या विचार प्रधान हो, ऐसे वाक्यों की क्रिया को भाववाच्य कहा जाता है, जिसमें ना तो कर्ता प्रधान होगा और ना ही कर्म, बल्कि क्रिया का भाव जो है वो प्रधान होगा या विचार, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, भाववाच्य। उदाहरण देखते हैं इसका। ये उदाहरण है भाववाच्य के, बच्चे से खेला जाता है, बच्चों से खेला जाता है और बच्चियों से खेला जाता है, ठीक है। अब आप देखो जो ये शब्द है बच्चे, बच्चों और बच्चियों, इनके लिंग में है ना और वचन में हमने परिवर्तन किया है, लेकिन जो आगे जो शब्द प्रयोग हुआ है, पीछे का जो सेंटेंस है, खेला जाता है, अंडरलाइन है तीनों ये, तो जो खेल जो शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना, ना तो यहाँ पे कर्म की कोई प्रधानता दिखाई दे रही है और ना ही यहाँ पर जो है किसी कर्ता की प्रधानता दिखाई दे रही है, राइट। तो फिर अब ना तो कर्म प्रधान है और ना कर्ता प्रधान है, तो यहाँ पर क्या आएगा, भाववाच्य, जहाँ पर आपको ना तो कर्ता दिया हो और ना कर्म प्रधान दिया हो वहाँ पर भाववाच्य आएगा, और जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो, जैसे फर्स्ट जो एग्ज़ाम्पल थे हमने आपको उनमें बताया था, ये थे हमारे एग्ज़ाम्पल्स, कविता सोती है, नीलम पढ़ती है, मुकेश भागता है, तो देखिए इनमें कर्तृवाच्य है ना,
क्योंकि कर्ता प्रधान था, तो यानी कि करने वाला अगर उसका नाम फर्स्ट में आ रहा है, जैसे राधा सोती है, खेलती है, इस तरह से यदि आ जाए तो वो कर्तृ होगा, क्योंकि कर्ता की प्रधानता आ जाएगी। और कर्म क्या है, जैसे मोहन ने फल खाया, राधा ने सेब खाया, तो कर्म तो कर्ता ने कर्म तो किया है लेकिन किसी दूसरी चीज़ पर किया है। तो आई होप कि आपको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि आपको ये तीनों क्लियर हो गए हैं या नहीं। और अगर आप किसी और विषय पर हमसे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।